हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये जो वीडियो है वो होने वाला है बम्पर रिपेयर के ऊपर। तो नॉर्मली कैसा होता है, बहुत सारे लोगों का बम्पर क्रैक हो जाता है, टूट जाता है या फिर बेंड हो जाता है कभी कभी। तो नॉर्मली कैसा होता है कि जो बम्पर का मटेरियल होता है, आगे का बम्पर और पीछे का बम्पर दोनों, जो कंपनी के डिजाइनर्स रहते हैं उन लोग प्रॉपरली डिजाइन करते हैं बम्पर को, ताकि वो बम्पर टूटे ना। हर रोज किसी ना किसी का तो एक्सीडेंट होते रहता है, बम्पर टच होता है। सबसे पहला जो पार्ट जो टच होता है आगे की गाड़ी का वो होता है बम्पर। बम्पर को हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बट सम केसेस में कैसा होता है कभी कभी बम्पर इतना फ्लेक्सिबल नहीं रहता या फिर एजिंग वैसे वो क्रैक हो जाता है। तो उसको रिपेयर कैसे करें, क्योंकि हर बार नया बम्पर तो नहीं डाल सकते। आपका गाड़ी मेरी तरह हो एकदम जूना, तो आप नया बम्पर वापस से नहीं डाल पाओगे, क्योंकि पार्ट्स ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वो पीछे का हो या फिर ये मोटरसाइकिल्स में भी काम आता है। मोटरसाइकिल में कभी कभी क्या होता है, दो फेयरिंग जो पार्ट है वो क्रैक हो जाते हैं, तो उसको आप कैसे ज्वाइंट कर पाए और वो कैसे वापस से यूज कर पाए, वो भी एक अच्छे वे में। तो मेरा बम्पर आपको बता दो कि कैसे क्रैक हो गया। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बम्पर का हालत है, आगे का बम्पर पूरा क्रैक हो चुका है यहाँ तक। तो हमें इतना बड़ा क्रैक फिक्स करना है, तो क्रैक फिक्सिंग करने के लिए भी मैं आपको पूरा बता दूंगा, ये क्रैक मैं प्रॉपरली फिक्स कर दूंगा। हेडलाइट भी गायब हो चुका है, हेडलाइट का सीन हो चुका है, हमें मिल चुका है हेडलाइट फुल सिस्टम, हम इसको लगा देंगे। बोनट खोलने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये यहाँ पे एक स्क्रू है, यहाँ पे एक स्क्रू है, सेम यहाँ पे वैसा सेम स्क्रू है। तो ये दो स्क्रू निकालने का दिया, हमारा जो ये वाला पोर्शन है वो निकल जाएगा। उसका हम लोग ने एक अच्छा खासा अल्टरनेटिव ढूंढ लिया, ताकि ये जो बम्पर है वो इजीली फिक्स हो जाए। ये जो यहाँ का पार्ट है वो मैं लगा दूंगा बाद में। तो यहाँ पे हम लोग ने थोड़ा टेस्टिंग किया हुआ है। तो हम लोग ने सबसे पहले क्या किया, ये जो फेविक्विक है यहाँ पे फेविक्विक लगाया, फिर हम लोग ने यहाँ पे मट्टी लगाया। तो ये जो प्रोसेस है आरएस में यूज़ कर चुका है। तो इस मट्टी से क्या होता है, एकदम आपको बारीक मट्टी लेना है, यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम पतला बारीक मट्टी, जिससे कि एकदम प्रॉपरली लग जाए। तो ये काम कैसे करता है, फेविक्विक जैसे हम लोग लगाते हैं इसके ऊपर, उसके ऊपर जैसे हम लोग मट्टी डालते हैं तो एक प्लास्टर का काम करता है वो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बड़ा क्रैक था आपने देखा होगा, तो ये प्लास्टर का काम कर दिया उसने और एकदम प्रॉपरली हो गया, फिट हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो पूरा जो क्रैक दिख रहा है आपको यहाँ से नीचे तक, तो क्रैक को पूरा फिल कर देंगे। उसके बाद थोड़ा कलरिंग का भी मैं बता दूंगा कि इसके ऊपर कलर कैसे आपको चढ़ाना है, तो कुछ भी दिखेगा नहीं, एकदम प्रॉपरली आपका बम्पर फिक्स हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो अभी मैं इस पर फेविक्विक लगा रहा हूँ, तो जो क्रैक से वहाँ पे आप अच्छे से इसको फेविक्विक डाल दीजिए, उसके बाद इसके ऊपर आप मट्टी डालिए। इसको मैंने अच्छे से पूरा लगा दिया। मैं हम लोग को क्या करना है, एक नॉर्मल सैंड पेपर लेना है और सैंड पेपर को इसे अच्छे से घसना है बस, ताकि जो हार्ड पार्टिकल से मतलब जो आप देख सकते हो, जब भी हम लोग इसको पेंट करेंगे तो ये प्रॉपरली दिखेगा नहीं। तो ये जो आप देख सकते हो ये मट्टी थोड़ा रफ हो गया है, तो इसको हम लोगों से स्मूथ करना है, अच्छे से स्मूथ कर देंगे इसको सैंड पेपर की मदद से। तो गाइस अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो पार्ट है इस पे एमसील लगाने वाला है। तो आप सोच रहे रहेंगे कि एमसील क्यों लगा रहा है, अभी पहले भी लगा सकता था एमसील। तो पहले हम लोग अगर एमसील लगा दिए होते तो वो पकड़ नहीं पाता प्रॉपरली, एमसील का तो आपको पता है फटाक से वो सूखता नहीं है। अभी कैसा ये पूरा सूख चुका है फेविक्विक की मदद से, बट हम लोग एमसील लगा रहे ताकि ये कैसा कलरिंग मारने के लिए थोड़ा इसको टेक्सचर मिल जाए। अभी इस पर हम लोग कलर नहीं मार सकते, ब्लैक कलर जो हम लोग एक्रेलिक कलर हमेशा यूज़ करते हैं वो कलर नहीं मार सकते, बट एमसील हम लोग लगाएंगे तो फटाक से कलर हो जाएगा उस पर। सेम एक रेजिन और एक हार्डनर मिल जाता है, दोनों को प्रॉपर मिक्सचर में मिक्स करना है बस। कैसे अभी एमसील लगाओगे तो आपको पकड़ के बैठना नहीं पड़ेगा, अगर एमसील पहले लगा दी होते तो पकड़ के बैठना पड़ता था और वो चीज़ तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। ओके गाइस, सो हम लोग ने जो एमसील है अभी वो सूखने के लिए रख दिया हुआ है, लगा दिया मैंने अच्छे से कम 10-15 मिनट्स अच्छे से इसको सूखने दो। और ये हेडलाइट के बारे में, हेडलाइट जो है हम लोग को एक स्क्रैप से खरीदना पड़ेगा, क्योंकि ये गाड़ी का ब्रांड न्यू हेडलाइट आपको कहाँ पे भी मैंने मिलेगा। तो स्क्रैप में जाके मैं एक हेडलाइट खरीद लूँगा, कम से कम 100-200 रुपीज़ में आ जाएगा इसका हेडलाइट। ये भी फिक्स हो जाएगा, वो भी फिक्स हो जाएगा। एमसील अच्छे से सूख गया, तो एमसील के ऊपर थोड़ा सा इसको सैंडिंग पेपर करना है आपको। थोड़ा सैंडिंग करने से क्या होगा कि जो अनलेवल वाला एमसील होगा वो प्रॉपरली लेवल में आ जाएगा। तो लेवल में आने के बाद हम लोग इसको अच्छे से कलर मार पाएंगे। एक्रेलिक कलर आप यूज़ कर सकते हो, मैं ये फेविक्रिल वाला यूज़ कर रहा हूँ। एक्रेलिक कलर जो है वो प्रॉपरली लग जाता है इसके ऊपर।
गाइस द बम्पर इज फिक्स्ड और आप देख सकते हो एकदम प्रॉपरली फिक्स कर दिया है मैंने बम्पर को। ये थोड़ा हाइलाइटिंग लग रहा है बट इट्स ओके, अभी टूटने से अच्छा ये वाला दिखे तो मेरे को एकदम बेटर लग रहा है। जो बम्पर है वो जूना खासा है, इसका डैश जो मटेरियल है वो एकदम जूना हो चुका है, इसके लिए ऐसा दिख रहा है, वरना अच्छा दिखता था। और एज यू कैन सी द कलर अच्छा है मतलब, और हेडलाइट का मैं बाद में फिक्स कर दूंगा। और बम्पर एकदम अच्छा खासा हो गया और बम्पर को कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब क्रैक पूरा हम लोग ने सील कर दिया है। तो गाइस जैसे कि आपने देखा मेरे बम्पर रिपेयर को, अगर टूटने से अच्छा ये बम्पर ऐसा दिखे तो मेरे को चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने बताया था आपको प्रोसेस, एक बार समरी बता देता हूँ। उसको स्टिक करो, उस पर मट्टी लगाओ, फिर सूखने दो थोड़ा टाइम, फिर और मट्टी लगाओ, फिर उसके बाद एमसील लगाओ, फिर कलर करो उसको, एकदम प्रॉपरली फिक्स हो जाएगा। और ये बम्पर ज़्यादा हिल रहा भी नहीं, आप जिप टाइज का भी यूज़ कर सकते हो, इधर होल मारो उधर होल मारो, मतलब बहुत सारा ज़्यादा होल मारना पड़ता था आपको। आपके बम्पर में क्रैक है कुछ भी है तो एमसील या फेविक्विक का जो भी मिक्सचर मैंने बताया था वो आप यूज़ करके आपका बम्पर ठीक कर सकते हो। मोस्टली बम्पर टूटते नहीं है कभी, बट ज़्यादा कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो बम्पर टूट जाता है, तो थोड़ा टाइम आप यूज़ कर सकते हो ऐसा। मेरा तो जूना गाड़ी है इसलिए मैंने बम्पर को रिपेयर कर दिया, कार होता तो मैं बम्पर चेंज कर दिया होता। थोड़ा सा भी क्रैक हुआ है तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा क्रैक रहेगा तो ये चीज़ मत यूज़ करो। मेरा ज़्यादा क्रैक था, मैंने ये चीज़ यूज़ किया क्योंकि मेरा पार्ट अवेलेबल नहीं है। सो वही था गाइस आज के इस वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, होप यू गाइस सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड डू वॉच यू लव टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। अरे आराम से जूना गाड़ी है।